आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ सेशन डिस्कस करेंगे ऑन काइनेमेटिक्स ऑफ 2D मोशन ऑफ अ पॉइंट। इसमें हम लोग आज अब क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टेकअप करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो सेशन फोर ऑन काइनेमेटिक्स ऑफ टू डी मोशन ऑफ अ पॉइंट पी से। टू डी मोशन मतलब मोशन इन प्लेन, जिसको हम लोग एक्स वाई प्लेन मानेंगे। एक्स वाई प्लेन जो है दैट इज द प्लेन ऑफ मोशन, यही मेरा प्लेन ऑफ मोशन है। एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन जो मेरा है प्लेन ऑफ मोशन है। इसमें जो सारा रेलेवेंट फॉर्मूलाज हम लिख दे रहे हैं, वर्किंग फॉर्मूलाज, वर्किंग फॉर्मूलाज क्या क्या होगा इसका वो हम लिख रहे हैं। पहला उसका पोजीशन वेक्टर आर ऑफ पॉइंट एट टाइम टी लिखाएगा एक्स आई प्लस वाई जे। इसमें एक्स जो है सो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है टी टाइम पर, वाई उसका वाई कोऑर्डिनेट है टी टाइम पर। टी टाइम पर उसका जो वेलोसिटी भी है उसको या तो भी ई टी लिखेंगे या भी एक्स आई प्लस भी वाई जे लिखेंगे। इसमें भी जो है स्पीड है, स्पीड को या तो लिखेंगे डी एस बाई डी टी से या रूट अंडर भी एक्स स्क्वायर प्लस भी वाई स्क्वायर से। भी एक्स जो है वो डी एक्स बाई डी टी होगा। सारा रेलेवेंट फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं एक बार, है ना। और वी वाई मेरा होगा डी वाई बाई डी टी। अच्छा, और इसमें एक्सेलरेशन जो इसका होगा ए ए टी ई टी प्लस एन ई एन, ये टेंजेंट नॉर्मल फॉर्म हो गया। या उसको लिखेंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। अच्छा, पोलर फॉर्म में यहाँ नहीं लिख रहे हैं, उसको अलग डिस्कशन में कर चुके हैं। अच्छा, ए टी जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, डी वी बाई डी टी है, या उसको लिखेंगे वी डी वी बाई डी एस लिखेंगे। और नॉर्मल एक्सेलरेशन ए एन जो है वो वी स्क्वायर बाई रो है, वी स्पीड है जो यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। और वी स्क्वायर बाई रो हो गया, और रो का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसका तीन फॉर्मूला आप लोग को हम बता दिए हैं, पूरा मीनिंग समझा दिया गया था आप लोग को प्रीवियस वीडियोस में। वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर पावर थ्री बाई टू बाई मॉड ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स टू। या रो का जो एक और फॉर्मूला था वन प्लस डी एक्स बाई डी वाई होल स्क्वायर पावर थ्री बाई टू बाई मॉड्यूलस ऑफ डी टू एक्स बाई डी वाई टू। और रो का एक और फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहे हैं, डी एक्स बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा का होल स्क्वायर पावर थ्री बाई टू अपॉन मॉड्यूलस ऑफ डी एक्स बाई डी थीटा इंटू डी टू वाई बाई डी थीटा टू माइनस डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी टू एक्स बाई डी थीटा टू। और ये यहाँ पर ये डी थीटा टू है, ठीक कर लेते हैं, डी टू एक्स बाई डी थीटा टू, इसमें थीटा पैरामीटर है। अच्छा, ई एक्स जो है एक्सेलरेशन का एक्स कॉम्पोनेंट है वो डी वी एक्स बाई डी टी होगा। ए वाई जो है सो डी वी वाई बाई डी टी होगा। और एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होगा, या रूट अंडर ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर होगा। देखिए जितना भी वर्किंग फॉर्मूलाज है यहाँ लिख दिए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। हाँ, अब जरा हम लोग इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टेकअप करेंगे जरा।
पूरा मिटा देते हैं, ठीक है, सारा फॉर्मूला लिख दिए हैं रेलेवेंट फॉर्मूलाज। चलिए हम लोग इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टेकअप करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल वन, एग्जांपल वन क्या है उसको ध्यान दीजिए। एग्जांपल वन ये कहता है पॉइंट पी मूव्स इन एक्स वाई प्लेन सच दैट at time t its position vector r is equal to t square I plus t cube j. Here t denotes time, t यहां time denote करता है। तो सवाल यह है कि पॉइंट के पाथ का कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, व्हाट इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पी। ये सवाल है, पी के पाथ का कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा ये पूछा गया है। अच्छा, कार्टेशियन इक्वेशन मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं टाइम टी, मान लीजिए पी का कोऑर्डिनेट्स है एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, एक्स एंड वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। अब आप जानते हैं पोजीशन वेक्टर आर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे, वो इक्वेट होगा किसके बराबर, टी स्क्वायर आई प्लस टी क्यूब जे। अब इसको कंपेयर करेंगे तो आई का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो एक्स बराबर टी स्क्वायर आएगा, और जे का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे वाई बराबर टी क्यूब आएगा। लेकिन हमको रिलेशन चाहिए, कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए। कार्टेशियन इक्वेशन मतलब कि एक्स और वाई के बीच का रिलेशन। एक्स और वाई के बीच का रिलेशन जानने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में से टी को एलिमिनेट कर देंगे, दोनों में से टी को एलिमिनेट करेंगे तो एक्स वाई में रिलेशन आ जाएगा और वही उसके पाथ का कार्टेशियन इक्वेशन होगा। तो देखिए एक्स बराबर टी स्क्वायर मीनिंग टी बराबर हो गया रूट एक्स, एंड वाई बराबर टी क्यूब मीनिंग टी हो गया एक्स पावर वन बाई थ्री। अब इन दोनों इक्वेशन में टी सेम है तो ये दोनों भी सेम होगा, यानी कि यहाँ पर वाई लिखाएगा तो ये y हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन इंप्लाई करेगा कि y पावर 1 बाई थ्री बराबर x पावर 1 बाई टू, यही इसका कार्टेशियन इक्वेशन है। देखिए अब फ्रैक्शनल पावर से हटाने के लिए इसके एलसीएम से पावर को रेज कर दीजिए, तो y पावर 1 बाई थ्री पावर 6 बराबर x पावर 1 बाई टू पावर 6, यानी y स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब, यही जाके इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। तो पॉइंट के कार्टेशियन इक्वेशन का पाथ ये होगा, ये एक्स वाई के बीच का रिलेशन होगा और यही इसके पाथ का कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा। दिस विल बी द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द मूविंग पॉइंट पी। पॉइंट पी का जो पाथ का कार्टेशियन इक्वेशन होगा वो यही होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है,
सेकंड एग्जांपल। अच्छा सेकंड एग्जांपल देखिए, अ पॉइंट पी मूव्स इन अ प्लेन एक्स वाई प्लेन एंड इज इनिशियली एट ओरिजिन एंड इज इनिशियली एट कहां ओरिजिन पॉइंट पी मूव्स इन एक्स वाई प्लेन एंड इज इनिशियली एट ओरिजिन एट सर्टेन इंस्टेंट its velocity v is equal to Cartesian form में उसका velocity given है, at certain instant its velocity v is equal to 2y square i plus x cube j, 2y square i plus x cube j। अब सवाल ये उठता है Find the Cartesian equation of path of point P. Find the Cartesian equation of path of P. Again, Cartesian equation of path मतलब कि t time पर point P का जो x y coordinate है उसके बीच का relationship। मान लेते हैं कि at time t coordinates of P are x and y, अब यही x y के बीच का रिलेशन चाहिए, वही उसका कार्टेशियन इक्वेशन होगा पाथ का। अब ये जानने के लिए क्या करेंगे, v का एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो v बराबर लिखा हुआ है 2y स्क्वायर i प्लस x क्यूब j, बट हम जानते हैं भी क्या होता है, भी एक्स आई प्लस भी वाई जे होता है। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, करस्पॉन्डिंग जे का कोफिशिएंट्स और करस्पॉन्डिंग आई का कोफिशिएंट इक्वेट कीजिए। यहां पर आई का कोफिशिएंट है 2y स्क्वायर, यहां भी एक्स, तो भी एक्स बराबर 2y स्क्वायर, और जे का कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए, यहां जे का कोफिशिएंट भी वाई है, यहां जे का कोफिशिएंट एक्स क्यूब है, भी वाई बराबर एक्स क्यूब। अच्छा vx को क्या लिखेंगे, dx by dt लिखेंगे, dx by dt बराबर 2y square and dy by dt, dy को dy by dt लिखेंगे, बराबर x cube। अच्छा देखिए ये equation क्या imply करेगा, dt बराबर dy by x cube, dt बराबर dy by x क्यूब होगा। और इस इक्वेशन से क्या देखते हैं, dt बराबर क्या होगा, dx बराबर बाई 2y स्क्वायर। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन में dt है और ये वाला एक्सप्रेशन में जो dt है, दोनों dt सेम है, ये दोनों भी सेम होना चाहिए। सो इन दोनों इक्वेशन से फॉलो क्या करता है, इट फॉलोज कि dy बाई x क्यूब बराबर dx बाई 2y स्क्वायर, मीनिंग वाई स्क्वायर डीवाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर डीवाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब डीएक्स। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद इन सुटेबल लिमिट्स। इसको लिखेंगे 2y स्क्वायर डीवाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब डीएक्स। अच्छा दिया है ओरिजिन से पास करता है, तो जब x जीरो होगा तो y भी जीरो होगा, और t टाइम पर जब x कोऑर्डिनेट x होगा तो y कोऑर्डिनेट y होगा। अब इसको आप इंटीग्रेट कीजिए तो 2y क्यूब बाई 3 आएगा लिमिट्स डालने पर, x पावर क्यूब dx है, x पावर 4 बाई 4 होगा, यानी कि y क्यूब बराबर 3x पावर 4 बाई 8, यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देखिए यही कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पाथ होगा, देखिए पॉइंट पी का जो पाथ का कार्टेशियन इक्वेशन होगा वो इसी फॉर्मूला से गवर्न होगा।
वाई क्यूब बराबर 3x^4/8, वाई क्यूब होगा 3x^4/8 हो जाएगा। देखिए यही इसके पाथ का कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा, क्लियर है एकदम। चलिए इसको मिटाते हैं, सेकंड एग्जांपल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, दिक्कत नहीं है समझने में, क्लियर है। चलिए मिटाते हैं फर्स्ट थिंग, ठीक है ना, पूरा मिटा देता है। ठीक है, इस सब हिसाब अगर आप पूरा समझ लेते हैं, वीडियो जो बन रहा है इसमें इस सब हिसाब को अगर गो थ्रू कीजिएगा अच्छा से, उसको ऑब्जेक्टिव ट्राई कीजिएगा ना, बन जाएगा। आपको बता रहे हैं एकदम, जो प्रॉब्लम आप तक तो, आप लोग देखे नहीं थे या देखे भी थे अटेम्प्ट करने से डरते थे, अब आप बनने लग जाएगा एकदम अपने आप, गारंटी देते हैं आपको। तो वीडियो का न्यूमेरिकल से ध्यान दीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। एग्जाम्पल थ्री, अच्छा एग्जाम्पल थ्री क्या है उसको ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल थ्री कहता है पॉइंट पी मूव्स इन एक्स वाई प्लेन सच दैट एट टाइम टी इट्स कोऑर्डिनेट्स आर x बराबर r इंटू 1 माइनस साइन ऑफ ओमेगा t एंड y बराबर r cos ओमेगा t। यहां पर y और r कॉन्स्टेंट्स है, r और ओमेगा पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है। हियर ओमेगा एंड r आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पर ओमेगा और आर जो है पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है, एंड टी डिनोट्स टाइम। पहला सवाल यह है व्हाट इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पॉइंट पी, व्हाट इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पॉइंट पी। पहला सवाल तो ये हो गया, पॉइंट पी के पास का कार्टेशियन इक्वेशन क्या है, और दूसरा मुद्दा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय पॉइंट पी इन द टाइम जीरो टू टाउ सेकंड्स। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय पी इन टाइम टाउ सेकंड्स। ये दो चीज आपको बताना है। तो पहला आंसर देखिए, पार्टीशन इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पॉइंट पी बोलता है, पार्टीशन इक्वेशन मतलब एक्स वाई के बीच का रिलेशन, दोनों रिलेशन में देखिए एक्स और वाई का जो इक्वेशन गिवन है प्रॉब्लम में उसमें टी कॉमन है, देखिए ये टी दोनों में सेम है, दोनों इक्वेशन से अगर टी को हम हटा दें एलिमिनेट कर देंगे तो एक्स वाई के बीच जो रिलेशन होगा वही पाथ का कार्टेशियन इक्वेशन कहलाएगा, दैट विल बी द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पॉइंट पी। सो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पी इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग from the expressions for x and y। x और y का जो expressions है उसे t को eliminate कर देंगे तो हमको equation मिल जाएगा, cartesian equation। अब देखिए sin omega t है cos omega t है, अब trigonometry का use कीजिए, sin square omega t plus cos square omega t 1 हो जाएगा। तो अगर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी के लिए सॉल्व कर लें और ट्रिग्नोमेट्री से हमको हट जाएगा दोनों, तो देखिए एक्स बराबर आर माइनस आर साइन ओमेगा टी, मीनिंग एक्स माइनस आर इज इक्वल टू माइनस आर साइन ओमेगा टी, ये पहला इक्वेशन है, और वाई हो जाएगा आर कॉस ओमेगा टी।
है ना, ये सेकंड इक्वेशन है। अब क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर प्लस सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर तो कितना देगा, एक्स माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं, आर साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस आर कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तो ये लिखाएगा एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो आर स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये वन हो जाएगा, आर स्क्वायर आ गया। देखिए यानी कि एक्स माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यही कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पॉइंट पी कहलाएगा, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पी, यही पी के पाथ का कार्टेशियन इक्वेशन कहलाएगा और यही इसका रिक्वायर्ड जाके आंसर होगा। अच्छा, देख सकते हैं कि ये सर्कल का इक्वेशन है, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इट इज सीन टू बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सर्कल का इक्वेशन है, आप देख सकते हैं, इट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन है ये। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व, ठीक है। अच्छा, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या बोलता है, सेकंड बोलता है इसका डिस्टेंस कवर्ड में पॉइंट पी इन टाइम टाउ सेकंड्स। अब बोलिए डिस्टेंस कवर्ड कहां से स्टार्ट करेंगे, सो बताइए। मान लेते हैं जीरो से टाउ में डिस्टेंस कवर्ड एस है, लेट एस बी द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय पी इन जीरो टू टाउ सेकंड्स। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि ds by dt क्या होता है, v होता है, v क्या है, स्पीड ऑफ पॉइंट पी एट टाइम t, पॉइंट p एट टाइम t, दिस मीन्स ds बराबर v dt। अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, ds इंटीग्रल ds बराबर इंटीग्रल ओवर v dt, लिमिट होगा जीरो से टाउ, एस का लिमिट होगा जीरो से एस, तो लेफ्ट हैंड साइड एस हो जाएगा, इंटीग्रेट करके लिमिट्स डालेंगे तो एस माइनस जीरो यानी एस हो जाएगा वी डी टी जीरो से टाउ। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, जब न्यूमेरिकल बना रहे हैं, अगर न्यूमेरिकल का क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दीजिए। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन का ऐसा है कि थोड़ा ऑब्वियस नहीं है शुरू में कि कहाँ से उसको स्टार्ट किया जाए, तो वहां पर आप देखिए कि अब कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, व्हाट इज द गोइंग टू बी द स्टार्टिंग वर्किंग फॉर्मूला, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट, कहाँ से स्टार्ट करना है, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट, इसको ध्यान देना सबसे जरूरी है, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो देखिए स्टार्टिंग मेरा ये हो गया, अब देखिए हमको एस जानने के लिए भी जानना होगा, भी आपका स्पीड है, अब स्पीड का एक फॉर्मूला डीएस बाय डीटी तो लिख चुके हैं, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, भी का एक और एक्सप्रेशन चाहिए, अब भी का आप जानते हैं क्या होता है, रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर हो गया। देखिए, अच्छा भी जानने के लिए हमको टी टाइम पर वी एक्स चाहिए और वी वाई चाहिए। अच्छा, वी एक्स क्या होता है, डी एक्स बाय डीटी होता है, तो जान ही रहे हैं आप, एक्स कितना दिया है, एक्स इतना दिया है, एक्स को डाल दीजिए यहां पर डी बाय डीटी, एक्स को लिखेंगे आर माइनस
आर साइन ओमेगा टी, अब डी बाई डी टी ऑफ आर जीरो हो जाएगा, आर कॉन्स्टेंट है, माइनस आर डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, अच्छा डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, माइनस ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी। तो वी एक्स आ चुका, देखिए अब हमको वी वाई जानना है, अच्छा वी वाई होगा डी वाई बाई डी टी होगा, तो डी बाई डी टी वाई कितना दिया है, वाई है आर कॉस ओमेगा टी है, इसको लिख देंगे आर कॉस क्या ओमेगा टी। अब आर कॉन्स्टेंट है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओमेगा कॉन्स्टेंट है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो माइनस ओमेगा आर साइन ओमेगा टी। ये देखिए ये वी एक्स हो गया, ये वी वाई हो गया, अब इन दोनों वी एक्स वी वाई का एक्सप्रेशन इसमें डालेंगे तो वी आ जाएगा, वी को वापस इसमें डालेंगे तो इंटीग्रेट होकर एस आ जाएगा, इस तरह से देखना है। और ऑब्वियस अगर नहीं है कि प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व किया जाए तो आप देखिएगा कि हम कहाँ से स्टार्टिंग, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना उसको, शुरू में मेरा स्टार्टिंग फॉर्मूला कहाँ से होगा यही आपको देखना है, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से हमको शुरू करना है सॉल्व करने के लिए, कौन फॉर्मूला यूज करना मोस्ट एडिक्वेट होगा, यही देखना सबसे क्रूशियल है। इसको बिठा देते हैं, अब हमको वी एक्स वी वाई डाल देंगे तो हमको वी मिल जाएगा, तो वी को लिखेंगे रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, अच्छा वी एक्स हम लोग कितना निकाले थे, माइनस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी निकाले थे, आर माइनस हाँ माइनस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, और वी वाई क्या निकाले थे, माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए ओमेगा आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये वन हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा, ये भी आगे देखिए, अब हम आर ओमेगा को डाल देंगे वी के एक्सप्रेशन में, वी डी टी जीरो से टाउ, वी मेरा आर ओमेगा हो गया, आर ओमेगा डी टी जीरो टू टाउ, अब आर ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रल डी टी जीरो टू टाउ आर ओमेगा टाउ, यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो पॉइंट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड होगा जीरो टू टाउ सेकंड्स में आर ओमेगा टाउ हो जाएगा और यही आंसर होगा। यहाँ पर आर ओमेगा इंटीग्रल के बाहर आ गया, कांस्टेंट अमाउंट है, देखिए आर ओमेगा कांस्टेंट है, जो स्पीड भी है वो कांस्टेंट आर ओमेगा है, इसलिए आर ओमेगा इंटीग्रल के बाहर आ गया, देखिए आर ओमेगा कम्स आउटसाइड द इंटीग्रल, तो आर ओमेगा टाउ हो गया, देखिए यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो चलिए और भी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कुछ, एग्जाम्पल फोर, फोर्थ एग्जाम्पल है, अ पॉइंट पी मूव्स इन एक्स वाई प्लेन एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड वी बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग अ पैराबोलिक पाथ हुज इक्वेशन इज
वाई बराबर टू एक्स स्क्वायर एट अ पॉइंट हूज इक्वेशन इज वाई बराबर टू एक्स स्क्वायर. इट मूव्स अलोंग अ पैराबोलिक पाथ हूज इक्वेशन इज वाई बराबर टू एक्स स्क्वायर. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्स कोऑर्डिनेट. इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्स कोऑर्डिनेट. और दूसरा ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 मीटर है. ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पी व्हेन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 1 मीटर. ये आपको बताना है सॉल्व करके. तो पॉइंट पी जो एक्स वाई प्लेन में मूव करता है एट अ कांस्टेंट स्पीड वी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड अलोंग अ पैराबोलिक पाथ जिसका इक्वेशन ये है. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्स कोऑर्डिनेट. ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पी व्हेन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 1 मीटर. अब इसमें आपको दो पार्ट क्वेश्चन का है. पहला आपको ये का एक्सप्रेशन चाहिए एक्स के टर्म्स में और दूसरा जब एक्स कोऑर्डिनेट 1 मीटर है तब ये कितना होगा. तो पहले हम लोग ये कोई निकालेंगे एक्स में एक्स के टर्म्स में. पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएगा. उसके बाद एक्स के बदले हमें 1 मीटर डाल देंगे हमको उसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा. तो पहले पहला पार्ट सॉल्व करेंगे. तो ए मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन है. मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन वो आप जानते हैं कितना होता है रूट अंडर 80 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर होता है. ये टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है. देखिए रूट अंडर 80 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर. अब देखिए हमको ये जानने के लिए 80 चाहिए an चाहिए. तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये होगा. मेरा ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा इसमें. अच्छा अब हमको 80 चाहिए an चाहिए. 80 मेरा dv by dt होगा. यहाँ v स्पीड है वेर v आपका स्पीड ऑफ p है which is given to be a constant. यानी कि 80 बराबर dv by dt 0 हो जाएगा. ये टर्म मेरा आ गया क्योंकि 80 मेरा 0 हो गया क्योंकि स्पीड v कांस्टेंट दिया हुआ है. कांस्टेंट स्पीड देखिए लिखा हुआ है. अब हमको ये जानने के लिए हमको an चाहिए. an होगा v स्क्वायर बाय रो होगा. an हो जाएगा v स्क्वायर बाय रो. अब v an जानने के लिए हमको v चाहिए और रो चाहिए. v तो हम लोगों को पता है v आपका 4 मीटर पर सेकंड है. तो v पता हो गया एक तरह से. अब खाली रो चाहिए. अब रो क्या है पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर है किसी पॉइंट पर. अब रो का 3 फॉर्मूला आप लोग को हम बता दे चुके थे शुरू में लिख दिए थे बोर्ड पर. तो उसके लिए बेस्ट होगा उससे पहला फॉर्मूला यूज करना. इक्वेशन को देखिए इसमें फर्स्ट फॉर्मूला से रो इवेलुएट करना बेस्ट रहेगा. तो रो को लिखेंगे 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर पावर 3/2 by mod of d2y/dx2. अब हमको dy रो जाने के लिए dy by dx चाहिए d2y by dx2 चाहिए. अच्छा dy by dx कैसे आएगा y मेरा 2x स्क्वायर है. तो dy by dx हो जाएगा d by dx of 2x स्क्वायर तो 4x होगा. देखिए अच्छा d2y by dx2 भी चाहिए. d2y by dx2 इसको लिखेंगे d by dx of dy by dx. अब dy by dx मेरा 4x है तो d by dx of 4x यानी 4 हो गया. अब सारी चीज को डाल दीजिए इसमें तो रो आ जाएगा 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर तो 4x का होल स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन
फोर, ये रो आ गया। अब रो को डाल देंगे इसमें तो एन आ गया, एटी भी आ गया, डाल देंगे तो ए आ जाएगा। ए बराबर रूट अंडर एटी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एटी मेरा जीरो है देखिए, तो जीरो स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अच्छा ऊपर बिठा देते हैं, तो ए मेरा हो जाएगा रूट अंडर जीरो स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये जीरो खत्म, एन स्क्वायर का रूट लेंगे तो एन आएगा, यानी भी स्क्वायर बाय रो आएगा। अच्छा भी मेरा कितना था, कांस्टेंट स्पीड भी कितना बोले थे, कांस्टेंट स्पीड भी था 4 मीटर पर सेकंड, तो भी है कांस्टेंट 4 मीटर पर सेकंड है, भी का वैल्यू है 4 मीटर पर सेकंड, और रो रो हो गया मेरा इतना 1 प्लस, यहां भी को 4 ले लिए हैं, भी को 4 मान के सॉल्व कर रहे हैं, एंड भी हम लिए थे कितना 4 मीटर पर सेकंड लिए थे, तो यानी कि एन हो जाएगा मेरा 4 स्क्वायर बाय रो, रो के बदले ये लिखेंगे 1 प्लस 16x² पावर 3/2 इनटू 4, यानी 64 हो गए बाय 1 प्लस 16x² पावर 3/2 एन हो गया। और ए भी एन है देखिए, ए भी एन के बराबर है, 64 बाय 1 प्लस 16x² पावर 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर आ गया। अच्छा दूसरा आंसर बोलता है कि जब x बराबर बोलता है 1 मीटर, तो ये कितना होगा, तो x को 1 डाल दे, तो x बराबर 1 मीटर, a बराबर होगा 64 बाय 1 प्लस 16 इंटू 1 स्क्वायर पावर 3/2, ये होगा 64 बाय 17 पावर 3/2, यानी 64 बाय 17 रूट 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। देखिए यहां, देखिए यहां तक जाके आप लोग को हम इतना बताए हैं, ये फोर्थ वीडियो था मोशन ऑफ पॉइंट इन प्लेन का फोर्थ वीडियो। अच्छा नेक्स्ट वीडियो भी बनेगा इसके, न्यूमेरिकल को और बनेगा कंटिन्यूएशन में, उसके बाद जाके ये चैप्टर भी फिनिश्ड। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस पर, इसको आप लोग अच्छा से देखिए समझिए, इतना का समझ में आ जाता है ना, ट्राई कीजिएगा बन जाएगा सारा, बता रहे हैं आपको ये सब हिसाब अगर इतना बना ले रहे हैं तो आपका बन जाएगा एकदम, एग्जाम में क्रैक हो जाएगा पक्का, नो डाउट। यहाँ क्लोज कीजिए इसको, ठीक है ना, हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो इसको बनेगा, ठीक है, क्लोज कीजिए।